हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 दो सर वाले रैखिक समीकरणों के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का पांचवें क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर हाँ, आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक मैथ्स बुक के और चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर चाहिए, वहां पर आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन करना। अब अपन को क्या है, यह आलेख दे रखा है। क्या दे रखा है? आलेख दे रखा है। इस आलेख के अंदर एक समीकरण रेखा खींची गई है। इस रेखा की सहायता से बताना है ये दिए गए समीकरण कौन सा समीकरण इस रेखा को संतुष्ट करता है। तो कैसे करना है, यहाँ पर दो बिंदु के इस रेखा पर निर्देशांक दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं के मान अपन इन समीकरणों के अंदर रखेंगे और जो समीकरण संतुष्ट करता है तो वो इस रेखा का समीकरण है और जो संतुष्ट नहीं करता है वो इस रेखा का समीकरण नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई बराबर एक्स। इसमें आप देखिए वाई बराबर एक्स है, इसमें सबसे पहले मैं एक बिंदु ये रखता हूँ, पहला मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 दे रखा है तो मैं मतलब y बराबर भी 0 है और x बराबर भी 0 रखता हूँ। 0 बराबर 0 मतलब ये तो इस बिंदु को संतुष्ट करता है, एक बिंदु और दोनों बिंदु संतुष्ट करने चाहिए। दूसरे बिंदु के निर्देशांक है माइनस ऑफ 1 और 1 तो मतलब यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर वाई बराबर एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना है, पहले निर्देशांक में हमेशा ध्यान रखना किसी भी x का निर्देशांक पहले होता है y का निर्देशांक मान, यहाँ पर माइनस एक, ये x का निर्देशांक है, x का मान माइनस एक हो गया और y का मान दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 है। अब ये जो मान दे रखे हैं इन मान को समीकरण के अंदर रखते हैं तो y बराबर है समीकरण, तो y बराबर x है, समीकरण ये है y बराबर x, y का मान 1 और बराबर माइनस 1, 1 और माइनस 1 कभी बराबर हो नहीं सकते हैं, मतलब समीकरण को ये बिंदु है संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह समीकरण इस रेखा का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए क्या दे रखा है। सेकंड नंबर अपन को इक्वेशन ये दे रखी है कि यदि x प्लस y बराबर 0, तो पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु 0 0 था तो यहाँ पर x बराबर भी 0 रखना है, y बराबर भी 0 रखना है। अगर मैं x प्लस y बराबर 0, x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 करोगे 0 हो जाएगा और बराबर 0, ये तो समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरा देखिए, दूसरे बिंदु के निर्देशांक माइनस और 1 और 1 दे रखा है तो यहाँ पर अब क्या करना है, x बराबर कितना रखना है, माइनस का 1 और y बराबर 1 रखना है, x का मान माइनस 1 है, y का मान 1 है, इस समीकरण में रखना x प्लस y बराबर 0, x का मान कितना रखूं माइनस 1 प्लस y, y का मान 1 बराबर 0, माइनस 1 प्लस 1 संख्या कट के 1 में से 1 गया, पीछे 0 0 बराबर 0। अब यहाँ पर इनके दो निर्देशांक दे रखे, दोनों निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये खींची गई रेखा इस समीकरण का हल है। अपन ये कह सकते हैं ये समीकरण है वो इसको संतुष्ट करता है। यही कहा गया था विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए तो सेकंड नंबर समीकरण है वो सही है। ठीक है, वैसे प्रयास के लिए तीसरा समीकरण भी देख लीजिए। यहाँ पर तीन नंबर समीकरण दे रखा है, तीन नंबर दे रखा वाई बराबर 2x। पहले अपन को क्या लेना है, x का मान 0 0, y का मान भी 0 लेना है, मतलब x बराबर 0, y बराबर 0। मैं यहाँ पर ये 0 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस बिंदु दो बिंदु दे रखे इस रेखा पर, उन दो बिंदुओं के निर्देशांक इस समीकरण के अंदर पुट अप करने। ठीक है, x का मान 0, y का मान भी 0, y बराबर 2x, y का मान 0 बराबर 2 गुणा x का मान भी 0। किसी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 2 का गुणा 0 के साथ 0 करोगे 0 हो जाएगा। इसमें कहने का अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये तो संतुष्ट करता है, लेकिन दूसरा मान भी इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो समीकरण तो अपने पास y बराबर 2x है, इसमें दूसरे में x का मान माइनस 1 लेना है और y का मान कितना लेना है, प्लस का 1 लेना है। ठीक है, तो y का मान कितना, y बराबर 2x, y की जगह 1 बराबर 2 गुणा x का मान माइनस 1 है तो 2x 2 गुणा माइनस 1 हो जाएगा और 1 बराबर 2 का गुणा माइनस 1 के साथ करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, वैसे अपना आंसर तो 2 नंबर आ चुका है। अब यहाँ से देखिए जैसे 4 नंबर का प्रयास कैसे करोगे, 4 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2 प्लस 3y बराबर 7x।
इसमें सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक मतलब एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी जीरो रखना है। समीकरण है 2 + 3y 3 है और y की जगह कितना रखना, 0, तो 3 × 0 बराबर 7x का मान भी 0 रखना है। अब देखो ये 2 + 3 का गुणा 0 के साथ करोगे तो 0 बराबर 7 का गुणा 0 के साथ करोगे 0, 2 और 0 कितने हो गए 2 बराबर 0। मतलब कहने का अर्थ ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, ठीक है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका दूसरा मान भी रख के ट्राई कर लो, वैसे एक नहीं कर रहा तो दूसरा कर भी रहा है तो ये समीकरण इस रेखा पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए अपन को x बराबर कितना रखना, -1 और y बराबर 1 रखना है। रख के देखते हैं कि 2 + 3y = 7x, 2 + 3y की जगह कितना रखना 1, तो (1) बराबर 7 × x की जगह कितना रखना -1। अब देखो 2 + 3 का गुणा 1 के साथ करोगे 3, 7 का गुणा -1 के साथ करोगे -7, 2 और 3 हो गए 5 बराबर -7, यानी कहने का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। तो समीकरण का ये देख रखा, निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो सही समीकरण कौन सा है, x + y = 0, जिसमें x और y के दोनों के मान संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अगला 5वें का एक दूसरी आकृति और दे रखी है, इसमें भी ये रेखा दे रखी है, ये समीकरण है, तो इसको कौन सा समीकरण है संतुष्ट करता है, तो इसमें x और y के मान देखते हैं। पहला समीकरण दे रखा है कि y = x + 2, इसमें देखो तीन निर्देशांक, पहला निर्देशांक है 2 और 0, मतलब 2 और 0 निर्देशांक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 0 का मतलब ये हुआ कि x का मान 2 है और y का मान आप कितना रखोगे 0 रखोगे। तो y = x + 2, y कितना 0 बराबर x का मान कितना 2, ये 2 + 2, 0 बराबर 2 + 2 कितने 4, ये मान इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में कितना रखना है 0 और 2, तो 0 और 2 के लिए कितना होगा, ये 0 और 2, इसका मतलब है कि x का मान तो 0 रखना है और y का मान 2 रखना है। समीकरण ये था y = x + 2, y की जगह कितना 2 रखिए और बराबर x की जगह 0, तो ये 0 + 2, 2 बराबर 0 + 2 करोगे 2, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, ये तो संतुष्ट करता, लेकिन ये संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ये इसका समीकरण नहीं होगा। लेकिन एक तीसरा मान और दे रखा बिंदु, उसका भी देख लेते हैं, -1 और 3, मतलब x बराबर तो -1 रखना है और y बराबर 3 रखना है। समीकरण में संतुष्ट करते हैं, y = x + 2, y का मान कितना 3 बराबर x + 2, x का मान -1 और +2 का +2, यहाँ पर -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 और बराबर 3, ये बराबर है नहीं। कहने का अर्थ है पहला समीकरण जो दे रखा है वो इसका हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि वो हल है या नहीं। सेकंड नंबर अपन को ये दे रखा है कि y = x - 2, अब यहाँ से पहला मान रखते हैं, पहले निर्देशांक ये दे रखा 2 और 0, तो x का मान 2 y का मान 0 रखते हैं, मतलब x बराबर कितना दे रखा है 2, और निर्देशांक लिख देते हैं, पहले निर्देशांक है 2 और 0, तो इसमें 2 पहला x का मान है, x बराबर 2 और y बराबर 0, तो यहाँ पर y = x - 2 दे रखा है। ठीक है, तो y = x - 2 दे रखा है, y की जगह कितना रखना, y की जगह 0 बराबर x की जगह कितना रखना 2 और ये माइनस का 2, तो 0 बराबर 2 - 2 करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें फिर दूसरा निर्देशांक है 0 और 2, कहने का अर्थ है कि x बराबर 0 और 2, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 0 है और y का मान 2 रखना है। समीकरण में पुट अप करते हैं y = x - 2, y का मान कितना 2 बराबर x माइनस x की जगह कितना रखूं x की जगह 0 - 2, तो 2 बराबर 0 में से 2 गया माइनस का 2, 2 और माइनस 2 बराबर नहीं है, तो इसलिए समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा मान है -1 और 3, तो -1 और 3 ये भी मान रखते हैं, मतलब x बराबर -1 रखना, y बराबर 3 रखना। समीकरण y = x - 2, y की जगह 3 बराबर x - 2, x का मान -1 और -2, तो 3 बराबर -1 - 2, माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं, -1 - 3 और 3 बराबर नहीं है, तो ये भी समीकरण इसका हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में तीन नंबर और समीकरण दे रखा है उसको देखते हैं। तो तीसरा समीकरण अपने पास ये दे रखा है कि y = -x + 2, तो पहला निर्देशांक है 2 और 0, मतलब 2 और 0 का मतलब ये हुआ
x का मान तो 2 रखना है और y का मान 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद में समीकरण y बराबर y का मान कितना 0 बराबर माइनस x, x का मान 2 है, माइनस का माइनस ये 2 और प्लस का 2 दे रखा है, 0 बराबर माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दूसरा निर्देशांक है 0 और 2, तो 0 और 2 के लिए क्या होगा 0 और 2 मतलब x बराबर तो 0 रखना है और y बराबर 2 रखना है। तो रख के देखते हैं y बराबर y का मान 2 बराबर माइनस x माइनस x का मान 0 और प्लस 2, ठीक है। अब यहां से देखो माइनस का ये 2 और ये माइनस का 0 और प्लस का 2, हमेशा ध्यान रखना एक माइनस एक प्लस वो संख्या घटेगी, तो मतलब 2 में से 0 गए 2, अब बड़ी संख्या प्लस में इसलिए उत्तर भी प्लस में आएगा 2 बराबर 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब ये दो बिंदु तो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तीसरा बिंदु एक और है माइनस एक और तीन, ये संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो माइनस एक और तीन, इसमें x का मान रखना माइनस एक और y का मान रखना है तीन। समीकरण है y बराबर माइनस एक्स प्लस टू, y का मान कितना रखना तीन बराबर माइनस एक्स, ये माइनस का माइनस x का मान कितना माइनस एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस एक, ठीक है, x का मान माइनस एक प्लस दो, तो ये प्लस दो। अब ये तीन बराबर माइनस एक क्या हो गया प्लस एक होगा एक, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर बचा कितना एक और प्लस दो करोगे कितना आ जाएगा तीन, तीन बराबर तीन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब इस समीकरण के अंतर्गत तीनों बिंदु के मान रखने पर समीकरण संतुष्ट है, इसलिए ये रेखा दे रखी है, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा तीन नंबर समीकरण हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक और समीकरण दे रखा है चार नंबर, उसका भी हल देखते हैं। अब चार नंबर जो समीकरण दे रखा है x प्लस टू वाई बराबर सिक्स दे रखा है, x प्लस टू वाई बराबर छह। पहले बिंदु का निर्देशांक है दो और जीरो, मतलब दो और जीरो का मतलब हुआ कि x बराबर दो और y बराबर जीरो रखना है। x का मान दो रखिए x प्लस टू वाई, x का मान दो प्लस टू, y का मान कितना है y का मान जीरो, दो गुणा जीरो बराबर छह, दो का गुणा जीरो के साथ जीरो और प्लस दो का दो बराबर छह, दो प्लस जीरो करोगे दो और बराबर छह, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं। दूसरा जीरो और दो रखना, दूसरा निर्देशांक है जीरो और दो, मतलब x बराबर जीरो रखना है और y बराबर दो रखना है। समीकरण अपने पास है x प्लस टू वाई, x का मान कितना रखो जीरो प्लस टू, y का मान कितना दो, मतलब दो इंटू y की जगह दो लिख देता हूँ बराबर कितना छह दे रखा है, दो गुणा दो करोगे चार, जीरो जोड़ने कोई मतलब नहीं, छह, ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तीसरा दे रखा है माइनस का एक और तीन, ये समीकरण में रखते हैं x का मान माइनस एक, y का मान तीन रखना, x x का मान कितना माइनस एक, x प्लस टू वाई प्लस दो गुणा वाई, वाई की जगह करना तीन बराबर छ, माइनस एक दो का गुणा तीन के साथ करोगे कितना आ जाएगा छह बराबर छह, माइनस एक सब मतलब एक प्लस एक माइनस संख्या घटेगी, सब में से एक गया पीछे बचा पांच, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में पांच बराबर छह, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए ये भी समीकरण का हल नहीं है। तो कौन सा हल लिखा वाई बराबर माइनस एक्स प्लस टू है, ये इस रेखा का हल हो जाएगा। तो अपन को ये पूछा गया था इन चार विकल्प दे रखे इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो तीन नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।